फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। लॉकडाउन में रोज़ क्या बनाई जाए, तो आज मैं नवाबी एक आलू कोरमा की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। ये बहुत अच्छी सी रेसिपी है, इसे आप चपाती, पराठे, चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसे खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। मैंने इसे बहुत इजी तरीके से बनाया है, आप भी इसे ज़रूर बनाएँ। आप बताएँ ये कैसी बनी है, ये बहुत अच्छी सी रेसिपी है। कोई घर पर गेस्ट आ जाए जल्दी से बनाएँ। आइए इसे बनाना शुरू करती हूँ। मैं एक टुकड़ा नारियल का ली हूँ, तीन बादाम ली हूँ, तीन काजू ली हूँ, एक छोटी चम्मच खसखस है यानी कि पोस्तदाना, दो प्याज, एक बड़े साइज़ का एक छोटे साइज़ का प्याज है, इसका पेस्ट बना लेना है, इसका भी पेस्ट चाहिए। चलिए सबसे पहले इसका पेस्ट बना लेते हैं। नवाबी एक आलू कोरमा की रेसिपी बताने जा रही हूँ मैं। यहाँ प्याज आपको पहले दिखला चुकी हूँ मैं, प्याज का पेस्ट बना ली हूँ, और काजू बादाम पोस्तदाना का भी पेस्ट तैयार है। यहाँ दो बड़ी चम्मच क्रीम ली हूँ, फ्रेश क्रीम है ये, एक बड़ी चम्मच दही है, टंगी हुई दही ली हूँ मैं। यहाँ एक कप से कम दूध है, एक बड़ी चम्मच रिफाइंड ऑयल है, तीन अंडा लिया है मैंने, आप अंडे अपने हिसाब से ले, चार पाँच भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ तीन अंडे के बना रही हूँ। एक बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ, एक छोटी चम्मच नमक है, हाफ छोटी चम्मच गरम मसाला है, इस चम्मच से ली हूँ मैं, हाफ छोटी चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च ली हूँ मैं, कश्मीरी मिर्च पाउडर है ये, एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर है, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर है, एक छोटी चम्मच ज़ीरा पाउडर है। तीखा अपने टेस्ट के हिसाब से रखें, मैं यहाँ थोड़ा तीखा बना रही हूँ। एक प्याज मैं फ्राई करके रखी हूँ। सूखे मसाले में आते हैं हम लोग। यहाँ दो तेजपत्ता ली हूँ, यहाँ जावित्री के फूल ली हूँ मैं, दो टुकड़ा ली हूँ, दो टुकड़ा छोटे छोटे दालचीनी का ली हूँ मैं, दो से तीन टुकड़ा है, तीन लौंग है, सॉरी इलायची है, तीन लौंग ली हूँ मैं, मीठा मुगलाई तर एक बूंद लूँगी, केवड़ा पानी दो से तीन बूंद चाहिए। यहाँ दो बड़ी चम्मच घी डाली हूँ मैं, इसी घी में मैं प्याज को फ्राई करके निकाली हूँ। यहाँ मैं पांच छोटे साइज़ के आलू ली हूँ, उसे कट कर दी हूँ, कट करके डेढ़ पिंच ज़ाफ़रानी रंग दी हूँ, और उस देने के बाद उसे मैं इसमें मिला ली हूँ। चलिए अब आलू को फ्राई करेंगे, अंडे को फ्राई करेंगे। पहले आलू को फ्राई करके निकालूँगी मैं, इसी घी में ही मैं आलू को ही फ्राई करूंगी और अंडे को भी फ्राई करके निकालूंगी। यहाँ मैं आलू को डाल दूंगी और इसे अच्छे से फ्राई कर लूंगी। की ज़ाफ़रानी रंग ली हूँ और इसे हाफ चम्मच दूध डाल दूंगी, इसे अच्छे से मिला दूंगी। यहाँ चलेगा, यहाँ अंडे को लेना है और इस तरह से कट लगानी है। देखिए इस तरह से हल्के हल्के कट लगानी है, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी है कट, हल्के से लगा कर इसमें डाल दूंगी। सारे अंडे को इसी तरह कट लगा लूंगी मैं, इस तरह से तैयार है। यहाँ देखिए आलू अच्छे से फ्राई हो रहा है, इसे बार बार चलाना नहीं है, बस हल्के से उलट उलट देना है। आलू बॉईल करते वक्त मैं इसमें एक चम्मच नमक डाल दी थी, इसीलिए ऊपर से नमक नहीं डालूंगी, ये बहुत अच्छी लगती है। इसे इस तरह से उलट कर फ्राई कर लेनी है, डीप फ्राई करना है इसे। चलिए फ्राई हो रहा है, इसे आलू फ्राई हो चुका है, बस इतनी फ्राई करना है हमें, सबों को निकाल देना है। यहाँ मैं अंडे को अच्छे से कलर लगा ली हूँ, मैंने यहाँ पे एक पिंच यूज़ किया, अगर आपको ज़्यादा डीप करना हो तो आप दो पिंच फूड कलर डाल लें अंडे में, और फिर डीप कलर का कर लें, क्योंकि इतना ही काफ़ी है। इसे मैं अच्छे से फ्राई करके निकाल दूंगी, रिफाइन ऑयल डाल दूंगी। यहाँ मैं सारे खड़े मसाले को डाल दी हूँ, बस डालने के बाद मैं इसमें प्याज के पेस्ट को डाल दूंगी और इसे, यहाँ मैं फ्लेम को स्लो ही रखी हूँ, एक से दो मिनट इसे अच्छे से भून लूंगी ताकि प्याज का कच्चापन चला जाए।
अब यहाँ मैं अदरक लहसुन की पेस्ट को डालूंगी और इसे अच्छे से मिला लूंगी। एक से दो मिनट इसे भी भूनूंगी मैं। यहाँ फ्लेम में स्लो रखी हूँ, अब यहाँ मीडियम फ्लेम कर दूंगी ताकि अदरक लहसुन अच्छे से इसे भुना जाए। यहाँ मैं अब सारे पाउडर मसालों को डालूंगी, गरम मसाले और कश्मीरी मिर्च को डालूंगी नमक को छोड़कर। यहाँ मैं इस कप में से ही एक कप दूध ली हूँ, आप पानी भी डाल सकते हैं लेकिन मैं दूध डालूंगी और इसे दूध में ही मसाले को अच्छे से भून लूंगी। ज़रूरत पड़ी तो और ज़रा सा दूध डाल दूंगी और इसे अच्छे से भून लूंगी। स्लो फ्लेम पे ही मैं मसाले को भूनूंगी ताकि मसाला जले नहीं। दो बूंद मीठा मुगलाई अदरक डाली हूँ, दो बूंद केवड़ा पानी डाल दी हूँ मैं, दो हरी मिर्च डाली हूँ। यहाँ पर मसाला बस भुना कर रेडी होने वाला है। मसाला बिल्कुल रेडी है, तेल छूट चुका है। अब मैं इसमें यहाँ दही को डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिला लूंगी। उसके बाद मैं नमक डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिला लूंगी। उसके बाद यहाँ मैं काजू बादाम नारियल पेस्ट को डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिला लूंगी। इसे मसाला भुन चुका है, अब यहाँ मैं क्रीम डाल दूंगी, डालकर इसे अच्छे से मैं मिला लूंगी। इसके बाद मैं इसमें फ्राई किए हुए आलू अंडे को डाल दूंगी और इसे आहिस्ते से मिला लूंगी, ये टूटे नहीं। यहाँ मैं फ्लेम को स्लो रखी हूँ। इसके बाद यहाँ मैं दूध को डालूंगी, ज़रा सा बचाया है मैंने अभी। यहाँ मीठा मुगलाई इतर रोक केवड़ा वाटर भी डाल दूंगी। अब इसे अच्छे से मैं मिला लूंगी। अब यहाँ पूरा दूध डाल दूंगी, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। बस उसे 5 से 7 मिनट से स्लो फ्लेम पे ही पकने दूंगी ताकि सारे मसाले आलू और अंडे के अंदर चले जाएं। अब बिल्कुल ये तैयार है, बस 5 से 7 मिनट और इसे धीमी आंच पर रहने दूंगी मैं। इसे ढक देती हूँ। चलिए इसे खोल कर देख लेती हूँ मैं। बिल्कुल तैयार है नवाबी एक आलू कोरमा। अब इसे मैं डिस आउट कर लेती हूँ। यहाँ मैं फ्लेम को ऑफ कर दी हूँ। यहाँ नवाबी एक आलू कोरमा बनकर तैयार है। इसे मैं प्याज के लच्छू के साथ गार्निशिंग करूँगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। हाँ, सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।